तो यार पहले पार्ट में बात हुई थी इक्विपमेंट के बारे में कि कौन कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिए इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, और इस पार्ट में बात होगी कंटेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं। बस गूगल से कोई भी शायरी उठाई अपने वीडियो में बोला ले बन गए क्रिएटर। एक तो बहनचोदे फर्जी का फुटेज खा रहे हैं यार, साला कुछ भी बोला बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया ले बन गए शायर लौड़े के। अबे बहनचोद जो शायरी का मतलब जानते हैं उन्हें तो शायरी करने दो यार, तुम बहनचोद जाके ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। ये तो आजकल ट्रेंडिंग में है, लड़के ये होते हैं लड़के वो होते हैं, अबे कोई वैक्सीन लगाओ वो भी इनके सोच में। इसके बाद देख के इसके पिताजी भी सोचते होंगे बहनचोद क्या कर दिया था मैंने। सबको कॉमेडियन का टैग चाहिए। एक हंसी वाली बात बताऊं, मेरे दोस्त की दाढ़ी नहीं आ रही, ही छक्का अभी 13 का है रो बहन का लोना, जब मैं चोटी हिट करेगा तो दाढ़ी आ जाएगी यार। और इनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं और इन चूतियों को इन सब चीज़ों से हंसी आती है, और इधर कोई फैक्स में थोड़ा सा स्लैंग बोल दे बहनचोद गाली देता है वो। और इनके बारे में क्या बोले बहनचोद, 70 साल से एक ही चीज़ को अपने गांड से लगा के बैठे हैं यार, लिपसिंग लिपसिंग। अरे देख ली बहनचोद तुम्हारी लिपसिंग, अब कुछ अलग करो। हद है यार बहनचोद। मैं माल फूंक के ना लिखूं ये बुद्धि तेज, इतनी एल्बमें बना के फेंकूं एक बिलोना मिलियन।